हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलबीएन नूर एकेडमी। हेलो एवरीवन, एलबीएन नूर एकेडमी के इस वीडियो में आपके साथ हूं और आज मैं आपको दिखाने वाला हूं जामिया का रिजल्ट कैसे देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप गूगल पेज पे आ जाएं। जैसे हम जामिया का देखने वाले हैं तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे जामिया का वेबसाइट लिखेंगे। कैसे, यूँ लिख देंगे JMIC, ये इस तरह से हम वेबसाइट लिखेंगे, उसके बाद सर्च करेंगे। सबसे पहला जो आएगा उस पर क्लिक करना है हमें। उसके बाद ये पेज आपका खुल के आएगा, कंट्रोल एग्जामिनेशन मैसेज, ये पेज खुल के आ जाएगा हमारा। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे और ये सारे जो है हमारे रिजल्ट शो हो रहे हैं। तो आप इसमें सर्च कर लें आपका कौन सा रिजल्ट है, इसको आप यूँ देख लें आपका जो हो उस पर आपको क्लिक करना है। ये सारे रिजल्ट आ चुके हैं। उसके बाद आप यहाँ पे एडमिशन रिजल्ट 2020-21 यहाँ पे हमें क्लिक करना है। तो इस तरह से हमारा न्यू पेज खुल के आएगा। यहाँ पे दिया हुआ है कोर्स टाइप, कोर्स नेम और कैप्चा। तो आप यहाँ पे कोर्स टाइप देख लें, यहाँ पे इतने सारे बैचलर्स, मास्टर्स, पीजी। अब इसमें आपका कौन सा है वो देखना है। जैसे मैंने पीजी पे किया, और यहाँ पे कोर्स नेम आप डाल दें, इतने सारे कोर्स नेम दिए हुए हैं, अब आपने डालने हैं जो आपको देखना है। और यहाँ पे और भी है कोर्स टाइप में, फिर आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं मास्टर्स, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, ये सारे कोर्स टाइप हैं। अब कोर्स नेम आप डालें, जैसे मैंने डाल दिया। उसके बाद आप यहाँ पे कैप्चा कोड इंटर करें, DE, जैसे मैं यहाँ पे कैप्चा कोड इंटर कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको कोर्स टाइप और कोर्स नेम ध्यान से डालना है। कैप्चा कोड डाल के सर्च कर दें। मैंने थोड़ा गलत डाल दिया कैप्चा कोड, अब मैं इसे रीलोड कर रहा हूँ दोबारा से। फिर हमें यहाँ पे कोर्स नेम सेलेक्ट करने, कोर्स टाइप तो हमने सेलेक्ट कर लिया, कोर्स नेम, ये आपके साथ भी हो सकता है। कैप्चा कोड आप ध्यान से डालें, कभी कभी गलत क्लिक हो जाता है जिससे ओपन नहीं होता। ये जो कि आपको दिख रहा होगा AUSENCI, ये मैंने कैप्चा कोड यहाँ पे डाला, फिर सर्च पे क्लिक किया। तो आप यहाँ पे स्क्रॉल कर नीचे देखें रिजल्ट पे, तो ये हमारा पेज खुल के आ गया, ये हमारा आ गया। अब यहाँ पे देख लो आप, ये सारे सिलेक्शन कैटेगरी हैं, सीरियल नंबर, सिलेक्शन कैटेगरी, जी कट ऑफ रैंक यहाँ पे दिख रहा है आपको। ये सारे रिजल्ट आप इस तरह से देख सकते हो, जामिया इस्लाम न्यू दिल्ली, ये सब यहाँ पे दिया हुआ है। फिर अब मैं जा रहा हूँ दूसरा कोर्स, दूसरा रिजल्ट देखने। जैसे हमने बैचलर में डाला, अब यहाँ पे हमें कोर्स सेलेक्ट करने हैं, नेम जो भी है आप उसे सेलेक्ट करें। जैसे मैंने किया यहाँ पे सारे, इसमें अब आपको देखना है कौन सा करना है, वो आपको पता ही होगा कौन सा कोर्स है आपका। ये सारे यहाँ पे कोर्स नेम दिए हुए हैं, जैसे मैं ये आर्ट एंड एजुकेशन कर रहा हूँ। उसके बाद आप यहाँ कैप्चा कोड इंटर करें, फिर ये नीचे व्यू पे आप आएंगे लिंक पे, तो वहाँ आपको रिजल्ट दिखेगा। ये देखो ये पेज खुल के आ गया। अब आप यहाँ पे देख लें सिलेक्शन कैटेगरी, कट ऑफ मार्क्स यहाँ पे आप देख लें किसका क्या है, कैटेगरी वाइज कट ऑफ यहाँ पे आपको सारा दिख जाएगा रिजल्ट का। दोस्तों आप इस तरह से रिजल्ट चेक कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका, आप इस तरह से देखते रहिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम।